हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुझ पर प्रहार कर रहा हूँ, बुलाओ उसे। वो मेरे पास हैं पिताश्री, मैं उनके चरणों में हूँ। अच्छा, तो तू उसके चरणों में है तो ले, पहले मैं तेरे ईश्वर को ही नष्ट किए देता हूँ। विष्णु, बंद कर अपनी बकवास। ये जिसे तू नमः नमः कर रहा है, बुला सकता है तो बुला ले उसे। वो तुझे मरने से बचा सकता है तो आकर बचा ले। मैं अभी तेरा जीवन समाप्त करता हूँ। जीवन समाप्त करना और जीवन देना, वो केवल ईश्वर के हाथ में है पिताश्री। कौन ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? वो सर्वत्र है, यहाँ वहाँ, मुझ में, आप में, इन दीवारों में, इस खंबे में भी है। जी हाँ। तुझे दिखाई देता है? जी हाँ। तो बुला उसे अपनी रक्षा के लिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। मैं तुझ पर प्रहार कर रहा हूँ, बुला उसे। वो मेरे पास हैं पिताश्री, मैं उनके चरणों में हूँ। अच्छा, तो तू उसके चरणों में है तो ले, पहले मैं तेरे ईश्वर को ही नष्ट किए देता हूँ। विष्णु, जीवन मृत्यु तो प्रभु की लीला है। तुम्हारे पिताश्री को जितने दिन जीवित रहना था वो रह चुके, अब उनके जीवन का अंत समय आ गया है। नहीं माँ, नहीं, इस अंत समय का कारण मैं ही हूँ। नहीं, मैं प्रभु की भक्ति करता, नहीं मेरे पिताश्री मुझ पर रूठते, और नहीं पिताश्री के मन में प्रभु के प्रति क्रोध आता। मैं अपने पिताश्री की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता माँ, नहीं बनना चाहता। वत्स, तुम अपने पिता के पापों और अपराधों को नहीं जानते। क्या अपराध है उनका? यही ना कि वो भगवान विष्णु को नहीं मानते। इसे भगवान क्यों क्रोध करेंगे? कब कहते हैं भगवान कि जो उनकी भक्ति नहीं करते उनको वो मार डालेंगे? माँ,
भगवान तो बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, तो मेरे पिताश्री के इस अपराध को क्यों क्षमा नहीं करते? देवी माँ, एक पुत्र के सिर से उसके पिताश्री की छत्र छाया मत छीनिए, मुझ बालक पर दया कीजिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, उन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए मैया, बचा लीजिए। तुम तो ज्ञानी हो पुत्र, जीवन के संबंधों को इतनी महत्वता नहीं देनी चाहिए। ये संबंध चिरस्थायी नहीं, ये तो जन्मों के साथ मिटते बनते रहते हैं। इन संबंधों को अपनी भावनाओं से मत जोड़ो। अब तक घटी घटनाओं को स्मरण करो। जो आज होने जा रहा है, क्या स्वयं तुमने ये नहीं चाहा था? नहीं माँ, नहीं, मैंने अपने पिताश्री की मृत्यु कभी नहीं चाही थी। मैं तो केवल उनको प्रभु के दर्शन कराना चाहता था, उनके मन में भगवान की भक्ति भरना चाहता था, परंतु सुना आपने माँ, मेरे पिताश्री की हत्या भगवान आज ही कर देंगे। उन्हें बचा लीजिए माँ, उन्हें बचा लीजिए, मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही पापी हूँ। नाश करना है तो मेरा नाश कर दो। मेरे जीते जी ये हत्या हुई तो मैं अब कभी नहीं जी सकूंगा माँ, कभी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या करूंगा जीवित रहकर, क्या मुंह लेकर जीऊंगा? पिता का हत्यारा कहकर मुझे संबोधित करेंगे, माँ की मांग का सिंदूर पोंछने वाला बालक कभी सुखी नहीं रह सकता माँ, कभी सुखी नहीं रह सकता। गंगा मैया, मेरे पिताश्री को जीवन दान दे दो, जीवन दान दे दो माँ, नहीं तो मैं अपना जीवन यही त्याग दूंगा माँ, यही त्याग दूंगा। प्रहलाद, वत्स, तुम स्वयं विष्णु अंश हो, भगवान के बहुत प्रिय हो, उनकी लीला को उसी दृष्टि से देखो। तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता की मृत्यु शोक है, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं वत्स, एक श्राप से मुक्ति है। इसके लिए भगवान को प्रणाम करो, उनका गुणगान करो और उन्हें अपनी लीला करने दो। कश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा, तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है, ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य, इस समय न दिन है न रात, संध्या बेला है, तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से, तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। Thank you.
हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे भगवान, हे नरसिंह देव, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अपार है, आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक रूप हमने आज ही देखा है। आपने इस दुष्ट हिरण्यकश्यप को मारकर इस ब्रह्मांड पर उपकार किया है। हे दुखहर्ता, आप धन्य हैं, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। हे सृष्टि रचयिता, हे परमात्मन, हम सब आपके भक्त हैं, आपके सेवक हैं। आपका यह क्रोधित रूप देखने का हमारा स्वभाव नहीं है और ना ही आपका यह भयानक रूप आपके कोमल और मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद को शोभा देता है। आपने अपनी लीला समाप्त कर दी है प्रभु, अब आप हमें अपने शांत स्वरूप के दर्शन कराइए। हे जगत पालक, हे रिपुदमन, हे सर्वगुण संपन्न, हे मुक्ति दाता, हे भयहरता, आपके इस रूप को बार बार नमस्कार। भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का सदा स्मरण करेंगे। आपने अपने भक्तों पर अपार दया की है। अपने क्रोध को शांत कीजिए भगवान, अपना विष्णु रूप दिखाकर हमें आनंदित कीजिए प्रभु। वत्स, भगवान के इस क्रोध का कारण तुम्हारे पिता थे। एक तुम ही हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। जो आज्ञा। प्रणाम दीन बंधु। प्रणाम भक्त वत्सल। प्रणाम परमपिता। अपने इस पुत्र पर कृपा करो। मैं घोर असुर जाति में जन्मा एक अयोग्य अबोध बालक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है प्रभु। इस जगत के कल्याण के लिए आपने बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। मेरे पिता की इस संहार लीला से सभी को बड़ा सुख मिला है। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे द्वेष नहीं करते। इनकी भी यही कामना है कि आप अपने शांत स्वरूप के हमें दर्शन कराइए प्रभु। आपने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा जो आपने ब्रह्मा जी, शंकर, लक्ष्मी जी, गंगा मैया किसी के भी सिर पर नहीं रखा। आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आप ही सबकी आत्मा हैं, आप ही संपूर्ण जगत हैं। इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे।
और अंत में आप ही शेष रहेंगे। तुम्हारा कल्याण हो दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। आप वरदान के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं प्रभु कि मुझ में आपके भक्त के लक्षण हैं या नहीं? यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके मन में कोई कामना हो। तुम्हें तो इस लोक की क्या, परलोक की भी किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है। तो यही वर दीजिए मुझे प्रभु कि मेरे हृदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। प्रहलाद, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें इस जन्म में असुर लोक का ये सिंहासन संभालकर दैत्य अधिपति के सभी भोग स्वीकार करने होंगे। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय शरीर का त्याग करके सारे बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी कीर्ति का गुणगान होगा। महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। मैं आपसे एक और वर मांग सकता हूँ? अवश्य मांगो वत्स। मेरे पिताश्री अपने क्रोध के वेग को सहन करते असमर्थ हो गए थे। उन्होंने आपके ईश्वरीय तेज को भी नहीं जाना, आपकी सदा निंदा की। आपका भक्त होने के कारण उन्होंने मुझ पर भी क्रोध किया। हे दीन बंधु, मेरे पिताश्री को उस दोष से मुक्त कर दीजिए। वत्स, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनका अंत्येष्टि संस्कार करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थापित हो जाओ। तज नरसिंहावतार शांतकार रूप धार, सह में प्रहलाद पर दुलार प्रभु लुटा रहे। धन्य वह ललाट जिस पे त्रिभुवन सम्राट आज राज तिलक अपने शुभ हाथ से लगा रहे। होलिका की गोद में जो अग्नि बीच बैठा था, उसको सिंहासन पर नाथ श्री बिठा रहे। भक्त और भगवान का, पिता और संतान का निभा रहे हैं नाता, राजा भक्त को बना रहे।